जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में बुधवार को बंद कमरे में मिला महिला का शव मामले में खुलासा हो गया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी जयपुर ईस्ट राहुल जैन ने बताया कि बीती 12 जून को ट्रांसपोर्ट नगर इलाके की बर्मिस कॉलोनी में बंद कमरे में पलंग के नीचे छिपाया हुआ एक महिला का शव मिला था। मृतका की शिनाख्त 51 वर्षीय रानी अरोड़ा के रूप में हुई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जवाहरनगर थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तकनीकी आधार पर सूचना जुटाते हुए फरार आरोपी अशोक कुमार को करौली से दबोच लिया। बीते 2 सालों में आरोपी मृतका के बीच अवैध संबंध चल रहे थे। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिनांक 12 तारीख के शाम को इत्तला मिली थी थाना क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर में कि श्री विजेश शर्मा ने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि उसके निवास में, जो कि 32 सिंधी कॉलोनी है थाना क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर में, कि वहां पे एक महिला की डेड बॉडी प्राप्त हुई है। तो इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए थाना ट्रांसपोर्ट नगर और सर्कल आदर्श नगर ने टीम गठित की। उसके मर्डर के अलामत वहाँ पे गए, अलामत सामने आए कि ये एक महिला है जो कि 51 साल के आसपास है और नेचुरल डेथ नहीं है। सारे अलामत थे कि मर्डर किया गया है। तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन की गई कि क्या कारण रहे होंगे और मर्डर किसने किया गया होगा। तो इस पर नतीजा दिया गया है, इसका मर्डर किया गया था अशोक सिंधी नाम का एक मुलजिम है, जिसको कि जिला करौली से दस्तयाब किया गया है।